हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट और हम भी एकदम बढ़िया है और तंदुरुस्त है। और आज सुबह सुबह हम बहुत ही ज्यादा फैंसी सा ब्रेकफास्ट बनाने वाले हैं, वो है जलेबी। तो मैं जलेबी के लिए कौन ढूंढ रही थी, जो कि मुझे मिल चुका है। अभी हम इसको यूज करेंगे और गर्मा गर्म जलेबी खाएंगे। ये जलेबी का बैटर यहाँ बन रहा है, ये घर की बनी हुई ब्रेड का ब्रेड पिज्जा। सोनाना हैज प्रिपेयर्ड हर फोड़ी वाली जलेबी। दिस इज फोड़ी वाली शेपलेस आर हर्स। ये जिसका कोई आकार नहीं, ये इसका जलेबी है। मेरी नैना भी जलेबी की तरह सीधी है। इतना जल्दी से डालो। Oh, this is some जलेबी and इमरती। ये भी मैंने बनाई है। Is it on proper temperature? हाँ। जलेबी का मजाक उड़ाने वालों, ये देखो। वाव, किंग ऑफ जलेबी, जलेबा। बस रुदी, रुकना भी है, कढ़ाई से बाहर जा रही है आपकी जलेबी। इसका कनेक्शन टूट गया। दिस इज जलेबी ऑफ कोर्स इन मुंबई। दिस इज पापा जलेबी। पापा जलेबी, इंडिपेंडेंट जलेबी बोल रही है। सब अलग अलग हो गई है, इंडिपेंडेंट है ये तो मैं ही जानती हूँ। इंडिपेंडेंट है मेरी कर्ची पे ये। आज की डेट नोट कर लो, जलेबी गॉट इंडिपेंडेंस टुडे। इंडिपेंडेंस डे मनाना है आज के बाद, जलेबियों का। हाँ, ये देखो मेरा पिज्जा ब्रेड भी रेडी है। तो आज का हमारा ब्रेकफास्ट बना था ये पिज्जा ब्रेड और जलेबी। तो अभी हम इसको फटाफट से खाएंगे, उसके बाद हमने यहाँ से निकलना है। ये अच्छा है, डिमांड एंड सप्लाई क्रिएट करता है लेना। हम दिल्ली में था, ये तो गिल्ली भी नहीं हुई। आया हम गोलगप्पे खा रहे थे ना, हप्पू जी पूछते खुद ही काउंट करने हो गया, ये काउंट करे। कहता हम काउंट करने पर एक कम गिनना तभी एक्स्ट्रा मिलेगा। सब ऐसा ही करते भाई, बट मैं भूल गया। 4-5 खा के बोलते 2 ही हुए भैया अभी तक। तुम करते, सब नहीं करते। रूबली को ढूंढना मुश्किल हो गया। चलो बुलाओ उनको। अरे भैया को आज तक नहीं पता गोलगप्पे कैसे खाते हैं। मुझे नहीं याद रहा मैंने कितने खाए, इनको बताना नहीं होता एंड में कितने खाए टोटल। क्या ट्रिक सिखाई आज कि जब 7-8 गोलगप्पे खा दो तो बोलना भैया 2 ही खाए, ठीक है? कैसे बोलना है अप्पू जीजू? भैया क्या गोलगप्पे बनाए, 2 खा के मजा आ गया। मैं आपको 5 के पैसे दूंगा। अभी हम गांव के रास्ते में, क्योंकि हमको चूड़धार जाना है, तो अभी हम अपने गांव नहीं जाएंगे, मामू के गांव जा रहे हैं। चलते चलते हम सबको रास्ते में भूख लग गई और जो घर पे हमने जलेबी बनाई लगी, हमको डरा दिया बोलो जलेबी खाओ। नहीं, ये इतनी टेस्टी बनी थी। ये सब मुझे बार बार कह रहे थे कहाँ है डब्बा, कहाँ है। सच में जलेबी तो बहुत अच्छी बनी है, बस लेट गई है थोड़ी सी। तो उस टाइम जब बोल रही थी गरम गरम खाओ, यार ये कितना खराब है। नहीं सही है भाई, देखो ये मैंने बनाई थी। ये बिल्कुल नहीं लेट रही है, ये देख तेरी खुद लेटती है, देख देख इसे। यहाँ ना इतनी बढ़िया खुबानी लगी है, तो मैं सोच रहा हूँ कि बाहर निकालता हूँ थोड़ी और खाते हैं। अप्पू भैया फाइनली हम पहुँच चुके हैं नैना के मामू के घर। चंपा मासी ऐसे नहीं। तू ब्लॉग नहीं देखती भाई, दूर हो जा मेरी नजर से। ये हमारे ब्लॉग नहीं देखती, आप तो देख रहे हो ना। हाँ, तब ठीक है, तभी देख रहे हैं। शेयर और सब्सक्राइब भी करना। हाँ। रुबदी वगैरह मतलब आ रहे हैं वॉकिंग, उनको ऐसा था कि अब थोड़ा रास्ता बचा है, हम पैदल आएंगे। तो अभी रुबदी पहुंच गई, मैं सिग्नल देती हूँ उनको। गुड मॉर्निंग। कल रात को ना हमने खूब सारी गप्पे मारी, खूब मजा किया। इतने टाइम के बाद सब मिले तो बहुत अच्छा लगता है। और ना मेरा तो ऐसा रूटीन हो चुका है कि रात को लेट सोना होता है और फिर एडिटिंग वगैरह करनी होती है, तो स्क्रीन टाइम इतना ज्यादा बढ़ गया है। उसकी वजह से देखो मेरे डार्क सर्कल्स कितने प्रोमिनेंट हो रहे हैं। इसीलिए मैंने यूज करना शुरू किया है ये ममाअर्थ का विटामिन सी डेली ग्लो अंडर आई क्रीम, विच विजिबली रिड्यूसेस अप टू 70% ऑफ डार्क सर्कल्स एंड पफिनेस विद इन 4 weeks ऑफ यूसेज। फॉर बेस्ट रिजल्ट्स यू हैव टू यूज दिस ट्वाइस डेली। तो मैं एक बार ही रात को सोने से पहले लगा देती हूँ और एक बार सुबह लगा लेती। इसमें है विटामिन सी विच इज लोडेड विद एंटीऑक्सीडेंट्स और जो हमारी स्किन को ब्राइटन अप करता है। और इसमें है टर्मरिक विच इज पैक्ड विद एंटी इन्फ्लेमेटरी बेनिफिट्स विच एड्स ग्लो फ्रॉम विद इन, एंड ऑल्सो इट कंटेन्स एलोवेरा विच सूट्स एंड काम्स योर स्किन। ये आपकी स्किन को डीपली हाइड्रेट करता है और रिंकल्स को भी रिड्यूस करने में हेल्प करता है। एंड द बेस्ट पार्ट इज दैट इट इज मेड सेफ सर्टिफाइड। इसमें कोई भी हार्मफुल केमिकल्स यूज नहीं हुए। अब बस मुझे सनस्क्रीन लगाना है एंड आई एम रेडी। तो आज मैं यूज करने वाली हूँ ममाअर्थ का विटामिन सी डेली ग्लो सनस्क्रीन। इट हैज SPF 50 एंड गिव्स मी PA+ प्लस 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 प्रोटेक्शन। और इसमें भी गुडनेस है विटामिन सी और टर्मरिक की। और अब अगर मैं आपको ब्रांड के बारे में बताऊं तो उन्होंने एक प्लांट गुडनेस इनिशिएटिव शुरू किया, जिसमें जब भी आप mamaearth.in से अपना ऑर्डर प्लेस करेंगे तो वो आपके ऑर्डर को एक ट्री के साथ लिंक कर देगा। और 2025 तक वो एम कर रहे हैं 1 मिलियन ट्रीज को प्लांट करने का। और एक अच्छी बात यह है कि ममाअर्थ अब आपको आपके नजदीकी स्टोर्स पे ऑफलाइन भी अवेलेबल है। और अगर आप इसे ऑनलाइन परचेज करना चाहते हैं तो आप इसे Amazon, Flipkart या Nykaa से ले सकते हैं, या फिर ममाअर्थ की ऑफिशियल ऐप या वेबसाइट से ले सकते हैं यूजिंग माई कूपन कोड विच इज ज्योतिका 2023, तो आपको फ्लैट 20% डिस्काउंट मिलेगा। और मैंने प्रोडक्ट्स के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप वहां से इसे चेक कर सकते हैं और फटाफट खरीद सकते हैं। और अब देखो मैं तो रेडी हो चुकी हूँ, और आज मेरा सबसे जल्दी रेडी होने का कारण यही था। ये देखो यहाँ पे कितना अच्छा हरा भरा और एकदम शांत है। तो मैंने सोचा था जल्दी से रेडी होकर थोड़ा सा वॉक कर लूंगी। यहाँ मैंने शिमला सोचा था कि मैं अपना ना हीट ट्रीटमेंट नहीं करूंगा इस ट्रिप में तो स्पेशली, बट आज यार इतना अच्छा बाल, हाँ ब्लो ड्राई नहीं करूंगा, बट यहाँ आके ना सब अच्छे अच्छे रेडी हो गए। और आज इतना अच्छा मौसम है तो मेरा मन कर गया, सबने कुछ ना कुछ सामान लेना था। मैंने सोचा मैं किसी हेयर ड्रेसर के पास जाके अपना, बट मुझे मज़ा नहीं आया। मैंने बोला भाई 2 मिनट ड्रायर दे, मैं खुद करता हूँ। और वो देखने लग गया मुझे, और मैंने बाल क्या मस्त बने यार, इतने दिनों बाद किया है ना, मज़ा आ रहा है। यहाँ से हमारा चूड़धार का सफ़र शुरू होता है। मम्मी ना थोड़ी देर से कह ही रहे थे कि मेरी तबीयत ना थोड़ी ख़राब हो रही है, और अभी देखो वॉमिटिंग शुरू हो गई। और ये लास्ट पॉइंट है जहाँ तक गाड़ी जाती है। अब इसके बाद हम चलेंगे पैदल। फाइनली हम पहुंच गए हैं फुट हिल पे, जहाँ से हमने ट्रैक शुरू करना है। और इस बार हमने ना दूसरी जगह से शुरू करने का सोचा है। फॉर योर रेफरेंस मैं नाम बता दूं, हम आज जहाँ से शुरू कर रहे हैं उस जगह का नाम है हल्दा जुब्बड़, और जहाँ से हमने बाकी टाइम ट्रैक शुरू किया था वहाँ का नाम क्या है मम्मी? मंडालानी। सो हमने सुना कि यहाँ से शॉर्ट है या शायद इक्वल है, तो ये जगह पहले आती है, मंडालानी थोड़ा आगे जाके आती है। तो गाड़ी से थोड़ा और जाना पड़ेगा। हमने सोचा आज यहाँ से ट्राई करते हैं, बट जितना भी होगा जैसे भी होगा। डैमेज हो चुकी है। मम्मी की आज थोड़ा तबीयत खराब है, बट आई एम श्योर कि जैसे ट्रैक शुरू करेंगे भगवान इनको आशीर्वाद देगा और ये बिल्कुल सही फील करेंगे। पंख तो मम्मी को लग ही जाते हैं जब भगवान का कुछ होता है, तो लिटरली मम्मी उड़ी जाते हैं, पापा का भी होता है। मुझे पहुंचा देंगे, मेरे भगवान कर देंगे एक्चुअली। और आज ना मौसम भी ऐसा था, तो मम्मी ना यही बोल रहे थे सुबह से कि कुछ नहीं है, मौसम सही है। मौसम बारिश वाला था, सुबह बारिश हो रही थी तगड़ी, तो हम सोचे थे यार पता नहीं जा पाएंगे नहीं जा पाएंगे। तो मम्मी बोलते ऐसा कुछ नहीं है, भगवान मौसम सही कर देगा, देखना, ऐसे मत बोलो ऐसा मत बोलो। और लिटरली ऐसे ही हुआ। अभी धूप लग पड़ी है और बढ़िया सा मौसम हुआ है, ना ज्यादा गर्मी है ना ठंड है, और स्काई भी बहुत अच्छा है, व्हाइट क्लाउड्स है, तो मजा आएगा। एक तरफ रजत का हेयर स्टाइल चल रहा है और यहाँ पे सब बाहर उतर चुके हैं, खाना खुना निकाल रहे। रजत तू क्या कर रही है? आज तुम्हारे बाल बन जाएंगे। अरे बाल थोड़े हिल रहे थे इसलिए मैंने सोचा इनको टिका देते हैं अच्छे से। तो ये हमारा एक्सटेंडेड ब्रेकफास्ट है। एक्सटेंडेड फैमिली तो ब्रेकफास्ट टू। ट्रैक से पहले खाना जरूरी है, यहाँ बैठ के खाते हैं। नहीं एक और है ना वो डिब्बा होते हैं, वो राजमा चावल ये है, क्या बोलते हैं जलग भाई, डांस तड़पा रहे। हमारे बर्तन भी सारे चले साथ भैया। तो देखो जब ट्रैकिंग पे जाते हैं तो बर्तन बस मम्मी बस कितना खा लेते हैं, मेरे को पता ही नहीं। सदमे में चले गए। ये है आम जिंदगी, ये आम जिंदगी। और ये है लोग आमतर, लोग इतना ही खाते हैं, इतना नहीं आमतर ज़्यादातर। मम्मी ने क्या किया ना, रूबी देखो सब्जी चाहिए, और ये वाली जो यहाँ पे ना ये दोबारा दी मम्मी ने, ये रूबी को इतनी सी सब्जी दी और बाकी सारी तुम्हारे में इसमें डाल दी। ओ भाई रूबी का साइज भी देखो और इसका साइज देख के बड़े जाएगा ना। और इसकी कटोरी देखो कितनी, और उधर देखो जल्दी खाओ चलो। पिकनिक ओवर मैच नहीं करते नहीं इस मम्मी, मेरे से खाली नहीं चला जाता, मेरे को पीठ का सहारा होता है, इससे पीठ का सहारा मैं देती रहूँ, मैं दूंगी ऊपर। अरे छोड़ो, इसमें क्या क्या है, टूटेगा ये नहीं टूटेगा, बैग टूट जाएगा। मम्मी छोड़ो, मम्मी नहीं दूंगी, मैं सच बोल रही, मेरे को पीठ में सहारा। छोड़ो यार मैं पीछे हो जाऊंगी, मेरे को चलना है, जल्दी चलो। ये बस सिर्फ एक पानी की बोतल है और झूठे लोग मूढ़ी लाए हैं, सूजी लाए हैं, तवे भरा हुआ इतना। अरे यार कुकर भी निकल रहा है, कुकर हाँ नहीं, कुछ नहीं होता, मेरा खाली है। आजकल ना चूड़धार जाने का सीजन है, मई जून में समर के जो मंथ्स होते हैं वहाँ पे जाना सबसे सही रहता है क्योंकि मौसम अच्छा होता है और क्योंकि स्नो नहीं होती। हाँ ऑल्टीट्यूड पे है ना, काफी ज्यादा हाइट पे है चूड़धार और ठंड भी नहीं होती है। ठंड भी नहीं होती है, मौसम अच्छा होना बहुत जरूरी है क्योंकि यहाँ पे एकदम से बर्फ पड़ जाती है और फिर जाना बहुत मुश्किल हो जाता है। आप देख ही सकते हैं रास्ते कैसे, ये तो फिर भी अच्छे रास्ते, अभी एकदम स्टीप चढ़ाई आने वाली है तो वहाँ पे चलना मुश्किल होता है। सीधा सीधा रास्ता था ना, अब देखो जहाँ मम्मी पहुँचे वहाँ से ऊपर हम स्टीप ये उस पर माउंटेन पे क्लाइंबिंग शुरू कर देंगे। और जब भी चूड़धार जाना होता है ना, मुझे इतनी ज़्यादा खुशी होती है, इतनी ज़्यादा एक्साइटमेंट होती है। एक तो ये हमारे देवता जी का स्थान है और दूसरा यार अपनी जगह से एक प्यार होता है, एक खुशी होती है, एक वाइब जुड़ी हुई होती है, तो इसलिए बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है। हमारे लिए किसी तीर्थ से कम नहीं है, तो हम अपने तीर्थ के लिए भी जा रहे हैं, ट्रैक भी कर रहे हैं, पूरी फैमिली साथ है तो बहुत ही अच्छा लगता है। पापा ऊपर से बुला रहे हैं, शाबाश शाबाश शाबाश, कम ऑन फास्ट। अभी ना हम काफ़ी डिस्टेंस आ गए हैं चल के और मुझे देखो टमाटर की तरह लाल होना शुरू हो गया और पापा को लग रहा है चले ही नहीं। मस्त बैठे पापा, काफी देर पहले से पावर नैप भी ले चुके मुझे लग रहा है। कम से कम आधा घंटा हो गया मुझे यहाँ बैठे। मम्मी हसरत भरी निगाहों से देख रही है मुझे, तो देखो जरा। मैं तो 1 घंटे से हुआ ना और मेरे बाद आने वालों में मम्मी का नंबर था। पापा सबसे आगे, सेकंड नंबर मम्मी, बाकी हम ग्रुप हम मजे कर रहे हैं ना। वी आर एंजॉयिंग, गाना ही थोड़ी है, वी आर एंजॉयिंग द वे टू आवर डेस्टिनेशन। बारिश लग चुकी है और मम्मी का मानना है कि ये आशीर्वाद है। मम्मी की बात, अब भगवान कितना आशीर्वाद देना चाहता है ये ऑन रिकॉर्ड ले लिया। मम्मी कितना आशीर्वाद है बताओ, कितनी बारिश होगी? ताकि जितने हम अभी गर्म हुए ना ठंडे हो जाए, हम ठंडे हो जाएंगे फिर हमारे को दोबारा एनर्जी आएगी। ठीक है, हो गया मेरे को, मेरी एनर्जी मिल गई भगवान को। हाँ सुन ली भगवान ने आपकी, लग गई धूप। वाह हाँ नहीं बात तो सही है, एक्चुअली ऐसा ही हुआ था। वेडिंग एनिवर्सरी पे कॉफी का लुत्फ उठाते हुए पर्यटक और कुछ पर्यटक भाग चुके हैं। जितने भी लोग हमें मिल रहे हैं वो सब यही बोल रहे हैं कि ये रास्ता थोड़ा स्टीप है तो इधर से थकान ज़्यादा हो जाती है। और एक्चुअली हमको भी यही फील हो रहा है बिकॉज हम जो बाकी 2 बार गए हैं वो दूसरे रास्ते से गए हैं और तभी, और उस रास्ते पर मुझे इतनी थकान कभी नहीं हुई ना इतनी स्वेटिंग हुई। बट कंसीडरिंग कि ये समर है, जून है और कल बारिश भी है तो उसकी वजह से ह्यूमिड भी है तो उस वजह से भी शायद थोड़ी गर्मी ज़्यादा लग रही है। बट एक्चुअली स्टीप है उस कारण से थकान थोड़ी ज़्यादा होती है। यहाँ से देखो नैना, नैना आ रहे हैं। नैना और पापा, और ये है रूबी दी, अपू भैया और मम्मी जो अभी कॉफ़ी ब्रेक पे रुके थे। यार बड़ी खुशी हो रही है, जैसे हम साथ में चल रहे थे ना तो हमको रियलाइज़ हुआ कि शादी के बाद ना हमने सारे देवी देवता के स्थान कवर कर लिए थे। हाँ। जब शादी हुई थी तो मेरे जैसे हम ससुराल गए थे नैना के, मतलब जैसे हम मेरे घर गए थे नैना के ससुराल में तो हमने वहाँ पर अगले दिन ही चले गए थे। अगले दिन क्या उसी दिन चले, उसी दिन एक्चुअली हमने देवी देवता के स्थान पे जाना था, जिस दिन मेरा वधु प्रवेश हुआ था जिसको मैं हमेशा गृह प्रवेश बोलती हूँ। तो उसी दिन हम वहाँ पे देवी देवता के पास चले गए थे और फिर जब मेरे मम्मी वाले घर आए थे तो वहाँ पे भी जो हमारे देवी देवता उनके पास चले गए थे। फिर हम तारा माता के तो अभी गए थे कुछ दिन पहले और आज बहुत मान्यता है उधर भी। और आज हम चूड़धार जा रहे, तो ऐसा लग रहा है हर जगह चले गए ना, सारे तीर्थ पूरे हो गए, बहुत खुशी हो रही है। हाँ तो मतलब सभी भगवान हमको आशीर्वाद दे। जय माता दी, जय माता, जय भोलेनाथ, बम बम भोले मस्ती में डोले। रजिया, मेरा नाम रजत है। रजिया लेहा चीजी खानी करती हूँ। रजिया माँ को भी तो बांट के खाना, अब बांट के खाना। पापा सो रहे और उनके पास आने लगी बा। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। इतना टाइम लगाते हो तुम मेरे को? 7 घंटा। पापा मजे से सो रहे हैं। नहीं ना, तुम्हें डर लग रहा है इनसे? बच्चों ने मेरे को थोड़ा सा मारा। एक देखिए भूरा वाला कितना प्यारा है। कहानी में ये ट्विस्ट है कि हमने सोचा था एक ही दिन में ऊपर जाके मतलब चूड़धार टेम्पल पहुंच के वापस नीचे आ जाएंगे, बट अब ट्विस्ट ये है कि हम लेट हो चुके हैं और रात को वापस आना सेफ नहीं है अगर हम टाइम ये इसको लगा हॉरर स्टोरी चल रही है, इसने सारी स्टोरी बदल दी। मैं ना थोड़ा फिल्मी हो रही हूँ नहीं तो फिर पानी इतना ही है। अगर टाइमली ऊपर पहुँच गए ना तो आज ही नहीं जाएंगे और अगर हमको लेट होगी तो ऊपर ही रुकेंगे मंदिर के पास। अगर प्रभु इच्छा होगी कि तुम आज रात मेरे घर पे रुकोगे तो हमारे को रुकना ही पड़ेगा, फिर वो कारण वैसा बनेगा। अगर प्रभु की इच्छा होगी कि नहीं बच्चों तुम जाओ वापस तो हम जल्दी से वहाँ पहुँच के टाइमली वापस आ जाएंगे। चलो मेरे भगवान ने मेरे को वो दिया संदेशा। होगी बात, हाँ होगी बात। देखा तुमने मेरे को ये बोला था ना कि बारिश नहीं रुकने वाली, लगा बता। एक और बार सफर शुरू हो गया है ब्रेक के बाद और सस्पेंस अभी और थोड़ा बढ़ गया है बिकॉज मौसम थोड़ा खराब दिख रहा है, बट मम्मी की भगवान से बात हो गई है तो हमें टेंशन की जरूरत नहीं है। मोबाइल पर नहीं मोबाइल पे नहीं संपर्क हुआ, मम्मी का संपर्क होता दिल से। जब हम चूड़धार जाएंगे तो थोड़ी सी बूंदाबांदी होगी, अच्छे से भगवान हमारे को आशीर्वाद देंगे। उसके बाद जब हमको वापस आना होगा तो एकदम मौसम साफ। मम्मी सुनो, मौसम विभाग से जानकारी मिली है। देखो पापा वहाँ सो रहे हैं और अप्पू जीजू को वहाँ लड़कियों ने पकड़ लिया फोटोज के लिए। ये है अप्पू भैया और वो है पापा। इस बार हमने एक चीज़ नोटिस करी कि यार इस बार कचरा ज़्यादा नहीं था और हमको अभी पता लगा, नीचे एक शॉपकीपर ने बताया कि इस बार किसी लोकल स्कूल के बच्चे आए थे ट्रैक पे, तो उन्होंने सारा मतलब जितना हो सके उनसे पॉसिबल था उतना कचरा उन्होंने क्लियर किया, तो इस बार काफ़ी क्लीन लगा। लेकिन ये काम ना लोकल लोग नहीं कर सकते अकेले से, 50% उनका रोल है, 50% आप लोगों का रोल है। जब आप लोग ऐसे ट्रैक पे जाते हो ना तो यार एक चीज़ का ध्यान रखो कि अपना कचरा ना हमेशा अपने साथ ही ले जाओ और इधर उधर लिटर ना करो। जब हम ना लास्ट टाइम आए थे ट्रैक पे, हम वो आपको दिखा देंगे व्लॉग, आई बटन पे क्लिक करो, तो रास्ते में बर्फ़ थी और अभी हर जगह पे सब फ्लावर्स ब्लूम हो रहे, इतना सुंदर लग रहा है। और यहाँ पे देखो येलो फ्लावर्स आए और उधर भैंसे, कितना अच्छा लग रहा है, भैंसे फ्लावर्स खा रही है। और यहाँ ऊपर चुड़ेश्वर महाराज का मंदिर है जो अभी नहीं दिख रहा है बिकॉज इतना धुंध है। वेट, ऑल द ट्रैश इज स्टोर्ड इन दिस बैग। आज के लिए डस्टबिन बनी थी मैं, डस्टबिन तुम्हारा बैग था, यू आर जस्ट कैरिंग इट। अभी ना हमको बैठ के 1 मिनट भी नहीं हुआ है और पीछे फिर से फॉग हो गई। यहाँ पे ऐसे ही होता है, 1 मिनट में इतनी ज्यादा फॉग हो जाएगी और 1 ही मिनट में क्लियर भी हो जाती है। हम बोले पहुँच गए, तो अभी हम मंदिर पहुँच गए हैं, एकदम मंदिर के बाहर खड़े हैं। ये मंदिर है और फटाफट से हम दर्शन करेंगे और वापस निकलेंगे क्योंकि रात होने आई है और ये एक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी एरिया है, तो इसलिए हम फटाफट से जाएंगे ताकि रात को कोई जानवर ना मिले हमें। अब जय एकदम धूप लग पड़ी अब वापस जाने के लिए, कितना प्लेजेंट हो गया। मेरे जाने नहीं दे रही है, जैसे मैं आगे बढ़ रहा हूँ मारने को आ रही है। देवा लग रहा तुम उसके खाने के साथ इंटरफेयर कर रहे हो। नहीं नहीं मैं तो कर रही। एक्चुअली ना जब लोग तीर्थ के लिए आते हैं यहाँ पे ना तो ये जौ के दाने, चावल के दाने, ये सब जानबूझ के गिरा के जाते हैं। पहली फसल भी लाते हैं लोग यहाँ भगवान को चढ़ाने के लिए, भी चढ़ावा भी हो गया और इस तरह से ऑफकोर्स भगवान ही खा रहे हैं एक तरह से। जब इनके भगवान के बनाए हुए जीव जब ये सब कुछ खाते हैं तो वो भगवान को ही पहुँच रहा है। हाउ इज द फीलिंग? रात के बच चुके हैं पता नहीं कितने और कुछ लोगों के बच चुके हैं 12। Are you fine? अच्छा। पौने नो? Yes. उफ इतना अंधेरा है ना और कुछ नहीं दिखाई दे रहा, बस ये सुंदर से। हाँ आज 21 जून है, लॉन्गेस्ट डे मतलब ईयर का सबसे लॉन्गेस्ट डे। और इंटरनेशनल योगा डे भी आज होगा, हो गया योगा डे भी आज। ओ भाई साहब अभी पहुंचते पहले